हाँ जी, तो क्या हाल चाल दोस्तों। तो भाई लोग, आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं एक काफी पावरफुल एंड काफी तगड़ी डॉग ब्रीड के बारे में, जो है रॉटवाइलर। तो भाई लोग, रॉटवाइलर को काफी अच्छा गार्ड डॉग माना जाता है। तो अगर आप लोग इस ब्रीड को परचेज करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में आप लोगों को इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या ये डॉग ब्रीड आप लोगों के लिए सही है या फिर नहीं, क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें कौन सी डॉग ब्रीड परचेज करनी चाहिए, क्योंकि सभी डॉग्स का टेम्परामेंट अलग होता है और सभी डॉग्स ब्रीड अलग अलग पर्पज से होती है। बट डोंट वरी यार, तुम्हारा भाई है ना, तुम लोगों के लिए सभी डॉग ब्रीड की वीडियोस लेकर आता हूँ, वो भी बिल्कुल डिटेल्स में, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि कौन सी डॉग ब्रीड आप लोगों को परचेज करनी चाहिए। तो जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं रॉटवाइलर के बारे में, क्योंकि काफी अच्छी क्वालिटी के पपीज हैं और प्राइस भी उन्होंने क्वालिटी को देखते हुए काफी रीजनेबल रखा है। तो गाइस, अगर रॉटवाइलर के टेम्परामेंट के बारे में बात करें तो ये थोड़े अग्रेसिव होते हैं और इसी वजह से इन्हें काफी अच्छा गार्ड डॉग माना जाता है। तो स्टेंजर्स और एनिमल्स के लिए रॉटवाइलर थोड़े अग्रेसिव होते हैं और इनके एरिया में आने वाले किसी भी एनिमल्स के ऊपर ये अटैक कर सकते हैं, क्योंकि ये फेयरलेस डॉग ब्रीड है और ये काफी कम डरते हैं। तो अगर आप लोग रॉटवाइलर को परचेज कर रहे हो तो इन्हें दूसरे एनिमल्स और ह्यूमंस के साथ आप लोग को जरूर सोशलाइज करना पड़ेगा। तो रॉटवाइलर फेयरलेस होने के साथ साथ काफी अलर्ट एंड कॉन्फिडेंट भी होते हैं, जिनमें मेल का एवरेज वेट 50 से लेकर 60 किलो तक हो सकता है और वहीं फीमेल का 35 से लेकर 45 किलो तक, जो कि काफी अच्छा वेट माना जाता है। और इनकी जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो भी ठीक ठाक है, जो है 8 to 10 ईयर्स की। ये थोड़ी कम और ज्यादा भी हो सकती है, सब कुछ डिपेंड करता है इनकी डाइट और इनकी केयर के ऊपर। एंड काफी लोग मुझसे कॉल करके पूछते हैं कि भाई, जब हमने पपी को परचेज किया था उस टाइम तो वो काफी हेल्दी था, बट अब वो मोटा नहीं हो रहा। तो भाई, इसके काफी रीजन हो सकते हैं। एक तो आप लोग अपने डॉग्स को अच्छे से वॉक एंड एक्सरसाइज नहीं कराते होगे, सेकंड चीज उनको एक बैलेंस डाइट दे, और थर्ड चीज आप लोग उनकी डिफॉर्मिंग करना बिल्कुल ना भूले। काफी लोगों को पता नहीं होता कि भाई डिफॉर्मिंग क्या होती है और इसी वजह से उनके डॉग्स की जो हेल्थ होती है वो वैसी नहीं हो पाती जैसी उन्हें होना चाहिए। तो अगर आप लोग अपने डॉग्स की अच्छी लाइफ चाहते हैं तो इन तीनों चीजों पर जरूर फोकस करें। तो फ्रेंड्स, अगर इन पपीज के मम्मी पापा के बारे में बात करें तो भाई, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये हैं इन पपीज के पेरेंट्स, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी में है, और फादर जो है ये केसी रजिस्टर्ड है। बाकी पपीज जो हैं ये होम ब्रीडिंग के हैं, तो आप लोग चाहें तो डायरेक्ट ओनर को वीडियो कॉल करके भी इन पपीज को लाइव देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इन रॉटवाइलर पपीज की एज के बारे में बात करें तो भाई, पपीज 40 डेज के हो चुके हैं और ओनर की जो लोकेशन है वो है प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से। और फ्रेंड्स, डिलीवरी में आप लोगों को काफी तगड़ा ऑफर मिल रहा है, और वो ये है कि उन्हें आप लोगों को डिलीवरी फ्री में प्रोवाइड करा देंगे, बट वो अप टू 100 किलोमीटर तक। अगर आप लोग आसपास से बिलोंग करते हैं तो डायरेक्ट जाकर भी इन पपीज को परचेज कर सकते हैं। तो 100 किलोमीटर तक तो आप लोगों को कोई भी पैसे नहीं देने होंगे डिलीवरी के ऊपर। एंड फाइनली, अगर पपीज के प्राइस के बारे में बात करें तो पपीज तो आप लोग देख ही चुके हैं, तो उन्हें जो इनके प्राइस की डिमांड किया वो मेल की किया 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए, एंड फीमेल की किया जस्ट 8,000 रुपीज, यानी सिर्फ 8,000 रुपए। और हो सकता है कि इस प्राइस में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत कंसेशन मिल जाए, तो इस बारे में आप लोग डॉग ओनर से डिस्कस कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई तो यार प्लीज वीडियो को भी लाइक जरूर कर दें। तो मिलता हूं आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।